हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम गैसियस स्टेट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एवोगैड्रोज लॉ के बारे में, गे-लुसैक्स लॉ, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने अभी तक सीखा था आइडियल गैस और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अगर गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो लास्ट टाइम हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पढ़ा था। इस बार पहला लॉ जो हमें पढ़ना है वो है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या? कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि अगर कार्बन ले लिया हमने, नाइट्रोजन गैस ले लिया, कोई भी गैस ले लिया, अगर इनका एचटीपी है सेम, टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेन करेगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन भी कंटेन करेगा। ये तो हुई आपकी पहली बात जो एवोगैड्रोज लॉ कहता है। दूसरा लॉ आपका आता है गे-लुसैक्स लॉ। अब देखिए, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप हो चुका था, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो चुका था, पर प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप नहीं हुआ था। तो गे-लुसैक्स ने कहा कि इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोकोरिक। इफ वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहा इन्होंने कि अगर वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक भी कहते हैं, तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कह दी थी गे-लुसैक्स ने, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा था। अब हम बढ़ते हैं आइडियल गैस और रियल गैस के कंडीशंस पे, आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो इससे पहले जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होता है या रियल गैस क्या होता है। या आइडियल गैस को आप ये भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉज। तो देखिए, आइडियल और रियल गैस में पहले हमें डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। तो पहले जानते हैं कि आइडियल केस क्या होता है और रियल केस क्या होता है। आइडियल का मतलब वो होता है जो हम चाहते हैं कि हो बट एक्चुअली होता नहीं है, और रियल का मतलब जो ओरिजिनल है, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा बिना पढ़े 90% आ जाए, 85% आ जाए, तो वो आइडियल कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, और रियल कंडीशन के हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये डिफरेंस होता है आइडियल और रियल में। गैसेस की भी बात करते हैं तो जो गैस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इन लॉज को फॉलो करती है उसे कहेंगे आइडियल गैस, और जो ऐसा नहीं करती है उसे हम कहते हैं रियल गैस। तो देखिए, आइडियल गैस को क्यों हमने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉज, क्योंकि ये तीनों लॉ को मिलकर बनता है, मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये पहला लॉ, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये दूसरा लॉ, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तीसरा लॉ। जब इन तीनों लॉ को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आया P इज इक्वल टू एन आर टी बाई V, या फिर आप कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कॉन्स्टेंट है, और T टेम्परेचर है। तो यही आइडियल गैस इक्वेशन आपका होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन लास्ट में उस दिन आप लोग को बताया था बहुत थोड़े से में। तो ये आता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। पर जब हम बात करते हैं, आइडियल गैस तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब इसको रेक्टिफाई किया गया, मतलब सही किया गया, तो ये डेविएशन शो कर रहा था, ये इक्वेशन से डेविएशन शो कर रहा था, और जो डेविएशन के बाद लॉ आया था उसी को कहा गया
रियल गैस का गैस इक्वेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन का मतलब, हमारा पी ऑब्जर्व्ड जो था, पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यही था आइडियल और रियल के बीच का डिफरेंस। पी ऑब्जर्व्ड वॉज ग्रेटर देन, या आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, जो पी कैलकुलेटेड था वो पी था, बट जो ऑब्जर्व्ड आया वो आया ये P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, और V जो आया वो V प्लस वी माइनस एन बी आया। तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन था ये चेंज होके फॉर रियल गैस, रियल गैस क्या बन गया, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इजक्वल टू एन आर टी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तो ये था आपका रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। अब हमारी बात होती है वेलोसिटीज के बारे में, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, और प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज करने के बाद वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, उन सबकी तीन वेलोसिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी। और ये कारनामा कर दिखाया था, इनके बारे में बात की थी, इनके बारे में ग्राफ बनाया था मैक्सवेल और बोल्ट्समैन ने। हाँ जी, उनका नट बोल्ट ढीला था इसलिए उनका नाम बोल्ट्समैन पड़ा। अब देखिए, जब तक मैं इस सफाई कार्यकर्ता का काम कर रहा हूँ तब तक मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। अगर आपको कोई और पार्ट चाहिए नेक्स्ट वीडियो में तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे भी इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। चलिए तो बात करते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्समैन की। मैक्सवेल बोल्ट्समैन एक दिन सुबह सुबह उठे और उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी, खाली तो बैठे नहीं होंगे, घूम टहल रहे होंगे, लॉकडाउन है तो क्या हुआ। तो अगर वो घूम रहे होंगे तो सबके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी तीन टाइप की उन्होंने बात की, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब था कि जितनी वेलोसिटीज टोटल हैं उनको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज से डिवाइड करना। मतलब अगर मानते हैं हम कि n नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक की वेलोसिटी u1, u2, फिर u3 प्लस डॉट 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 un, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी अपॉन n। एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज हाइट, जैसे या फिर एवरेज फूड, मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, कोई 10 रोटी खाता है, कोई 5, कोई 6, कोई 8, तो एवरेज सबको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ पीपल, तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बाद आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं और सब लोग अलग अलग नंबर ऑफ रोटीज खा रहे हैं, पर अधिकतर लोग 8 रोटीज खाते हैं, मतलब 10 में से 5 लोग 8 रोटी खा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 8 होगी। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फिर आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे आरएमएस वेलोसिटी भी कहते हैं, और वी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है
इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन आरएमएस वेलोसिटी। ये तो थी पहली बात। अब जब मैक्सवेल और बोल्ट्समैन ने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू वेयर टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो इन्होंने पाया टी टू पे स्पीड एट टी टू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड एट टी वन। ये थोड़ा छोटा लिख दिया, इसको और बड़ा कर देता हूँ। स्पीड एट टी टू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड एट टी वन। ठीक, तो अगर ये एक्स एक्सिस आपका स्पीड बताती है, तो इन्होंने जो ग्राफ ऑब्जर्व किया था वो कुछ ऐसा था। ठीक, ये था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से जस्ट हल्का सा नीचे, ज्यादा डिफरेंस नहीं, एवरेज वेलोसिटी और उससे हल्का सा नीचे। आप देख रहे हैं ग्राफ जहां पे नीचे जाना स्टार्ट हुआ, ऐसे नीचे जाना स्टार्ट हुआ है, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट है और यहां से नीचे जाना स्टार्ट हुआ है, वहां पर सारी वेलोसिटीज हैं और ये होता है आरएमएस वेलोसिटी, सॉरी वी आरएमएस। ये ग्राफ एट टेम्परेचर टी वन था। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जितने भी एटम्स होंगे बहुत तेजी से भागने लगेंगे। आप ही अगर गर्म तवे पे खड़े हो जाएंगे तो आप बहुत तेजी से उछलना स्टार्ट करेंगे, तो वैसे ही सबकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, बट ग्राफ सिमिलर रहता है, बस थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये हुआ आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एमपीवी मिलता जुलता है एमवीपी से, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो आप लोग खेलते हैं पबजी बीजीएमआई, सॉरी बच्चे दुखी हो जाएंगे अगर मैंने पबजी बोल दिया बीजीएमआई को, सीओडी, फ्री फायर। तो ये ग्राफ उन लोगों ने ऑब्जर्व किया था टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, इसको मैक्सवेल एंड बोल्ट्समैन ग्राफ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों लोग ने इतनी मेहनत की थी। मैक्सवेल एंड बोल्ट्समैन ग्राफ, तो ये था तीनों के बीच का रिलेशन और तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए पीवी इज्क्वल टू एनआरटी, जो हम लोग ने ओरिजिनली बात की थी पीवी इज्क्वल टू एनआरटी की, उसके बारे में भी थोड़ी और चर्चा करते हैं। और चाय तो मेरे पास है नहीं, आप लोग अपने घर चाय बना सकते हैं, चाय पे चर्चा वहां कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा लेफ्ट और बात करते हैं। हमें क्या पता है पीवी इज्क्वल टू एनआरटी, इसको हम चेंज कर सकते हैं पी बाई आरटी इज्क्वल टू एन बाई वी। एन बाई वी को आप कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, एन बाई वी को आप मोलैरिटी लिख सकते हैं, मोलैरिटी ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पी बाई आरटी है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, एन को आप क्या कर सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वी, है ना। और अगर इसको हमने यहां भेज दिया P बाई एम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन R इंटू टी इज इक्वल टू डेंसिटी। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, तो इससे भी आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्समैन गैसीय स्टेट और एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं आगे, तो उससे पहले कुछ नए टॉपिक से बात करने से पहले इसकी बात करते हैं कि इस ग्राफ में हमने क्या छोड़ दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया था, स्पीड इधर है। वी आर एम एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस। आज हम इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में लिक्विफैक्शन ऑफ गैस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस में हमें ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस का वीडियो छोटा ही होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी भी लिक्विफैक्शन ऑफ गैस बता सकता हूँ, देखते हैं अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि बच्चे लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं।
और स्पेशली पढ़ाई की अगर वो कुछ और होता, पबजी का कोई स्ट्रीम हो रहा होता या फिर कोई कॉमेडी वीडियो होती तो ज़रूर पसंद करते, तो फिर लंबी वीडियोज़ अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, लंबे वीडियोस से कुछ मतलब नहीं होता है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस, डेविएशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस, तो वो हमें इस फॉर्मूले से सबसे अच्छे से पता चल रहा था। दिस इज फॉर आइडियल गैस, और ये जो था ये आपका था रियल गैस के लिए। अगर हम आइडियल और रियल गैस को और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो हम Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी करते हैं। जब Z की वैल्यू इक्वल टू 1 रहे, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे और Z की वैल्यू लेस देन 1 रहे, जहां पे Z आपका क्या है, PV बाई NRT। तो Z ही यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है कि किसी भी गैस को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, कितना दबाया जा सकता है, उसके हिसाब से ये बातें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लंबी वीडियोस मैंने बताया कि कोई मतलब नहीं है, बच्चे उतना लंबा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और अभी हमारी उतनी रीच नहीं है, तो इस रीच को और बेटर करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। Till then, signing off, we'll meet again in the chemistry classes. Have a nice day.